हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किसी भी नॉर्मल फ़ोटो को आप मोबाइल से खींच के और उसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर यूट्यूबर पीएनजी फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी फ़ोटो एडिटिंग में पीएनजी इमेज का इस्तेमाल होता है, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो पर पीएनजी फ़ोटो बनाकर दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्रोम ब्राउज़र, इसको आपको ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डालना होगा रिमूव। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर आ चुका है रिमूव बीजी। इस पर आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड पर 3 डॉट की लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये कंप्यूटर साइड हो जाएगी और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि आप किसी भी तरह के देखिए फ़ोटो बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी साइड है, बहुत ही बेहतरीन साइड है। यहाँ से आप बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी इमेज जो है खुलकर आ जाएंगी, ठीक है ना। जब आपकी इमेज खुलकर आ जाएंगी तो आप कोई से भी फ़ोटो जो है कर सकते हैं। चलिए मैं यही वाला फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सारा बैकग्राउंड पीछे का हट जाएगा और ये फ़ोटो जो है पीएनजी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा। ये देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो जो है पीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर कोई भी पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और चाहें तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। ये जो आप देख रहे हैं एडिट का बटन है यहाँ पर, इस एडिट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खूबसूरत जो है पीछे बैकग्राउंड है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। या आप पासपोर्ट साइज़ अगर फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से आप किसी भी डिज़ाइन में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमने डाउनलोड कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपके वीडियो। आप इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर आप क्लिक ज़रूर करिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।